संत शेखर कलि पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी की तरह शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला दूसरा कौन। अर्थात कोई नहीं। करुणाधनी भगवान सदा भक्त के साथ रहते हैं। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, कह दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। वानर सोच रहे हैं कि हम अकेले हैं, सामने समुद्र है, किंतु वे अकेले नहीं है। क्यों? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ओ तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम काही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम काही विधि रहिए। वानर परेशान, क्या करें? श्री अंगद जी ने कहा हमारी तो दोनों ओर से मृत्यु है, श्री सीता जी का समाचार नहीं मिला, लौट कर जाएंगे तो सुग्रीव जी अपने हाथ से वध करेंगे, प्रतिज्ञा की है उन्होंने। दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, श्री सीता जी के न मिलने से मृत्यु कैसी? जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सव समान तेई प्राणी। भगवान की भक्ति नहीं मिली तो मृत्यु, और वैसे मृत्यु होनी ही है। इस तरह आपस में चर्चा कर रहे थे तो समुद्र किनारे ही एक पर्वत कंदरा में रहने वाले संपाति ने सुनी। गिरी कंदरा सुनी संपाति, संपाति कहने लगा कि आज विधाता ने एक बार में ही भोजन दे दिया, इतने वानर अनशन करके प्राण देंगे तो हमारा तो भोजन हो ही गया, हमें मिल ही गया। डर पे गीध वचन सुनी काना, संपाति के वचन सुनकर सब डर गए कि यह सबको खा जाएगा। लेकिन अंगद जी ने कहा धन्य जटायु समको नाही, धन्य जटायु को नाही, धन्य जटायु समको नाही, धन्य जटायु समको जटायु सम, जटायु सम, जटायु सम, जटायु सम, जटायु जी के समान और कोई दूसरा नहीं। मुए मरत मरी हैं सब है, यह मृत्यु लोग है, मृत्यु लोक है, बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग मरेंगे,
मुए मरत मरी हैं सवे घरी पलक के बीच, लही न काहू आज लो गीध राज सी मीच। श्री जटायु जी जैसी मृत्यु की घड़ी किसे मिलेगी। श्री सीता जी को पाने का प्रयास किया और भगवान की गोद में प्राण दिए। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गये परम बड़भागी। भगवान के धाम को गए परम बड़भागी हैं जटायु जी। एक वो और एक ये, उन्होंने श्री सीता जी की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया और यह श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों का ही आहार कर लेना चाहते हैं। संपाती ने सुना, कहा वानरों निर्भय रहो, पर पूरे विस्तार से सुनाओ जटायु जी के साथ क्या हुआ। जटायु मेरे भाई। अंगद जी ने कहा श्री सीता जी को बचाते बचाते वे नहीं बच सके, देह त्याग कर दिया उन्होंने, भगवान श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। संपाती ने कहा कि भैया जटायु मेरे भाई, हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, एक बार सूर्य को पाने के लिए हम लोग आकाश में उड़ान लगाने लगे, जटायु जी सहन नहीं कर सके सूर्य का ताप तो लौट आए, पर संपाति कहते मैं अभिमानी रवि नियरावा, मैं अभिमानी सूर्य के पास तक जाने लगा, मेरे पंख जल गए और जटायु जी के पंख कट गए, मेरे पंख जले में गिर गया। तो एक मुनि थे, चंद्रमा नाम था उनका, उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। कितना अद्भुत संकेत है, जटायु जी के पंख कटे तो श्री रामचंद्र ने गोद में उठा लिया और संपाती के पंख जले तो चंद्रमा नामक महात्मा ने गोद में उठा लिया। इसका अर्थ है कि गिरते हुए को दो ही अपनी गोद में उठाते हैं, या तो महात्मा या परमात्मा। धन्य है संपाती जिन्हें संत की गोद मिली, धन्य है श्री जटायु जी जिन्हें परमात्मा की गोद मिली। पर यह कथा सुनकर लक्ष्मण जी ने बहुत बाद में कहा था श्री अवध लौटने पर कि न जटायु जी धन्य न संपाती, फिर धन्य तो मैं हूं। संपाती को महात्मा की गोद मिली पर परमात्मा की गोद नहीं मिली, और जटायु जी को परमात्मा की गोद मिली पर महात्मा की गोद नहीं मिली। पर श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि धन्य तो हम हैं, और हमें अपनी धन्यता का अनुभव तब हुआ जिस दिन हमें शक्तिवान मेघनाद ने मारा और मैं मूर्छित हो गया। उस दिन हमें श्री हनुमान जी ने अपनी गोद में उठाकर राम जी की गोद में डाल दिया, मुझे महात्मा की भी गोद मिली और परमात्मा की भी गोद मिली। संत अपनी गोद में जिसे उठाते हैं उसे परमात्मा की गोद में डाल देते हैं। पर आज संपाती कह रहे हैं कि मुझे महात्मा की गोद मिली, महात्मा ने मुझे ज्ञान दिया। ज्ञानी महात्मा थे, देह जनित अभिमान छुड़ावा, तुम देह नहीं हो, देह को देखने वाले हो, तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, कर्ता भोक्ता को देखने वाले हो। शरीर के जब पंख थे तब भी तुम देख रहे थे, आज पंख नहीं रहे तो भी तुम देख रहे हो। शरीर में पंख लगते हैं और शरीर से पंख अलग होते हैं, पर तुम तो सदा अलग हो,
श्री कबीरदास जी कहते हैं, बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। हम अपनी जगह हैं, हम देख रहे हैं। अच्छा देखो, बचपन को हमने देखा, हमारे बचपन को हमने देखा। अच्छा तो एक बात सोचो, बचपन मिटा कि नहीं? आज है बचपन, मिट गया, लेकिन क्या बचपन के मिटने से आप मिटे? नहीं मिटे, बचपन मिट गया। अब आप जवान हो गए तो जवानी मिटेगी, बुढ़ापा आएगा तो जवानी के मिटने से आप मिटे? तो जब बचपन के मिटने से आप नहीं मिटे, जवानी के मिटने से आप नहीं मिटे, तो शरीर के मिटने से कैसे मिटेंगे? शरीर का जन्म, शरीर की मृत्यु। न मेरा जन्म न मेरी मृत्यु, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। ये देह है, का अभिमान त्यागो। देह धर्म तू क्यों अपनावे, यह पचरंगी झंगा करो रे मन सत्संगा। यह पचरंगी झंगा करो रे मन सत्संगा, त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा, त्याग विषय रस रंगा करो मन सत्संगा। जन्मांतर के पाप धोय लो, जन्मांतर के पाप धोय ले, बह रही ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा। बह रही ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा, त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन रत संगा। करो रे मन सत्संगा, गर्जन कर विज्ञान शिवो हम, 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 उड़े अज्ञान विहंगा करो रे मन सत्संगा। उड़े विज्ञान विहंगा करो रे मन सत्संगा, ज्ञान सुन भंगा करो मन सत्संगा। शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, शरीर नहीं, चिदानंद रूपः शिवो हम, शिवो हम। इस तरह चंद्रमा नामक महात्मा ने बहुत तरह से ज्ञानोपदेश दिया और बहुत तरह से ज्ञानोपदेश देकर देह जनित अभिमान छुड़ावा, देहाभिमान की निवृत्ति कराई। और देहाभिमान की निवृत्ति होने के बाद
मैं इसी गुफा में रहता हूं। आज इतने वानरों को देखकर भोजन का मन हुआ, लेकिन अब आप लोग डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मुझे समुद्र किनारे ले चलो, मैं अपने भाई जटायु जी को तिलांजलि देना चाहता हूं, श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि वानर श्री सीता जी की खोज में आएंगे, उनको तुम श्री सीता जी का दर्शन करा देना, तुम्हारे पंख उग आएंगे। वानर समुद्र किनारे ले गए, जटायु जी को श्रद्धांजलि दी और संपाति ने कहा, मैं देखूं तुम नाहिन गीधई दृष्टि अपार, मेरी दृष्टि अपार है, वृद्ध हो गया नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता, बूढ़ भयो न तु करते हो कछुक सहाय तुम्हार, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं श्री सीता जी वहां हैं। युवक चल पड़े, पर समस्या यह थी कि 100 योजन समुद्र पार करे कौन, जो पार करेगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। अब देखो, निज निज बल सब काहू भाखा, अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, किंतु पार जाकर संशय राखा, अपने बल पर समुद्र पार करने में संशय है। इसका आशय यह है कि अपने बल पर कोई भी भवसागर से पार नहीं जा सकता, अपने बल पर कोई भी संसार सागर से पार नहीं जा सकता। अरे अपने बल से क्या पार जाएगा, जो अपने से पार जाएगा वही पार जाएगा। सभी अपने अपने बल का वर्णन करते हैं, पार जाने में संशय। तब तक एक वानर वीर बोले, मैं चला जाऊंगा। श्री अंगद जी, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा। सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए, राम जी का कार्य बन गया, जय हो श्री राम जी की, जय हो जय हो जय हो। अंगद जी ने कहा, पूरी बात तो सुनो, जी संशय कछु फिरती बारा, कुछ वानरों को जाने में संशय है, कुछ वानरों को लौटकर आने में संशय है। बड़ा सुंदर संकेत है, कुछ लोग देहाभिमान के समुद्र को पार कर जाएं, तो फिर उनका लौटकर इस पार आना कठिन होता है। ऐसे लोग हमारे यहां परमहंस कहे जाते हैं, देहाभिमान का समुद्र पार कर गए पर इधर नहीं लौट पा रहे, तो इधर वालों को उधर का अनुभव कैसे मिले, उधर का संदेश कैसे मिले। तो हमें तो ऐसा महापुरुष चाहिए जो उस पार जाकर इस पार वालों को उस पार का संदेश लौटकर दे सके, जिसका इधर से भी संबंध हो और उधर से भी संबंध हो। सदगुरु वही है जिसके चरण धरती को छूते हो तो सिर आकाश को छूता हो। अनुभूति उधर की और अभिव्यक्ति इधर की, अनुभूति उस देश की और अभिव्यक्ति इस देश में। इसीलिए इस समुद्र के भी 2 तट हैं, एक तट देही का तट है और एक तट वैदेही का तट है। वैदेही के तट का अनुभव करके देही के तट पर अभिव्यक्त कर सके, ऐसे महापुरुष को हम लोग सदगुरु बोलते हैं। इसीलिए सभी वानरों ने वर्णन किया, पार जाने में संशय, अंगद जी का लौटकर आने में संशय। पर आप आश्चर्य करेंगे, सभी वानर बोल रहे हैं, श्री हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलते? श्री हनुमान जी ने कहा, जिनके पास अपना बल हो सो बोले।
हमारे पास हमारा बल है ही नहीं जो बोले। अरे तो आपको तो लोग अतुलित बल धामम कहते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि ठीक कहते, हम धाम हैं पर बल हमारा नहीं है। अच्छा आप ऐसे सोचो, जैसे किसी मकान में सीमेंट भरी हो, तो सीमेंट मकान की है कि मालिक की? मकान में तो रखी है पर है तो मालिक की। इसी तरह ये बल है किसका? श्री हनुमान जी ने कहा हमारा नहीं, ये राम जी का बल है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई किसने कहा? जयंत ने, जो बल देखने गया था। तो राम जी का अतुलित बल है, और अतुलित बल जिसका हो वो जहां बैठे जिस जगह बैठे वही अतुलित बल का धाम हो जाएगा। भगवान कहाँ बैठते हैं? जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। श्री हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठते हैं तो हनुमान जी अतुलित बल धाम, इस अर्थ में धाम है। बोले नहीं हनुमान जी कुछ। अच्छा किसी धर्मशाला के कई कमरे हों और किसी एक कमरे में आपका कोई परिचित व्यक्ति सो रहा हो, रात का समय हो, आपको जगाना हो, तो हर एक कमरे की कुंडी थोड़े ही खटखटाएंगे। और एक एक कमरे की कुंडी खटखटाएंगे तो जितने सो रहे हैं सब जागेंगे। तो सरल उपाय एक है, कुंडी खटखटाओ ही नहीं। फिर आप तो आंगन में खड़े होकर उसका नाम देकर आवाज देने लगो। है इन्हीं कमरों में पर पता नहीं किस कमरे में है, और आवाज जाएगी तो कमरा खोलकर खुद सामने आ जाएगा जिस कमरे में हो। जामवंत जी ने यही किया, पहले हनुमान जी की प्रशंसा की। कही रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना। बड़े बलवान हो, चुप हो। श्री हनुमान जी नहीं बोले। पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी बोले ही नहीं। क्यों? हनुमान जी अगर देह भाव के कमरे में होते तो बलवान सुनकर जाग जाते, गेह भाव के कमरे में होते तो पवन तनय बल पवन समाना पिता का नाम सुनकर जाग जाते। पर हनुमान जी न देह भाव के कमरे में हैं, न गेह भाव के कमरे में हैं। श्री हनुमान जी तो राम जी के नेह भाव के कमरे में हैं, राम जी के नेह रूपी कमरे में हैं। और जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तव अवतारा, राम काज कर अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगे तव अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगि तव अवतारा, राम काज लगि तव अवतारा, तव अवतारा, तव अवतारा, तव अवतारा। राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री पवन कुमार पर्वताकार रूप में प्रकट हो गए। अब तो श्री हनुमान जी ने गर्जना की, सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, श्री हनुमान जी बार बार गर्जना करते हैं और यही बोले, लीला ही नाग हूं जल निधि खारा, ये समुद्र लांग जाना तो मेरी लीला है, मैं लांग जाऊंगा। रावण को सहित दल के मारकर लौटू, सहित सहाय रावण ही मारी।
आनो यहां त्रिकूट उपारी। श्री जामवंत जी ने सोचा कि हनुमान जी पहले तो जाग नहीं रहे थे और जाग गए तो जरा ज्यादा जाग गए। ये ज्यादा जग जाना भी तो अच्छा नहीं। एक आदमी के दांत में दर्द था, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब दांत में बड़ा दर्द है, निकाल देते, दर्द होगा थोड़ा सहन करना, फिर हमेशा की दर्द की छुट्टी हो जाएगी। हिम्मत नहीं हो रही। अब उस समय शून्य करने की शायद व्यवस्था न रही हो। डॉक्टर ने कई उपाय सोचे, अंत में बोला कुछ नशा करते हो? बोले हां। डॉक्टर अपने सेवक से बोला इसे पिलाओ, नशे में निकलवा लेगा दांत, दर्द का अनुभव नहीं होगा, गलत काम का सही उपयोग। उसे पिलाया, कब दांत निकलवाने की हिम्मत आई तो बोला थोड़ी थोड़ी आई। डॉक्टर बोला और पिलाओ, इसे और पिला दिया। कब दांत निकलवाने की हिम्मत आई तो उठकर बैठ गया, लाल लाल आंखें करते हुए बोला मुझ पर हाथ फेर कर किसकी हिम्मत है जो मेरे दांत में हाथ लगाता है। देखो गलत चीज से सही समाधान निकल ही नहीं सकता। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि बहुत परेशानी है, मेहमान जाता ही नहीं है। पत्नी ने कहा और करो स्वागत, खिलाओ पिलाओ, अच्छी तरह रखो, वो काहे को जाएगा। वो बेचारा संकोच के मारे कुछ कहे नहीं, मेहमान जाए नहीं। पत्नी ने कहा एक उपाय है, मर्ज तीन और उपाय एक, ज्वर जुखाम और पाहुना इनका एक उपाय, लंघन दे दो तान के फिर न वापिस आए। बुखार जुखाम मेहमान, लंघन दे दो फिर नहीं आ सकते ये वापिस। पति ने कहा ऐसा कहीं होता कि हम लोग भोजन करें मेहमान को न कराएं? पत्नी बोली आज बना ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता ना बना, झगड़ा कर ले तो झगड़ा हम लोगों में होता नहीं, झूठा कर ले ये ठीक। अब पति ने डांटना शुरू किया झूठ ही, अब पत्नी ने भी रोना शुरू किया झूठ ही। पति बोला तुम्हारे बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं। पत्नी ने कहा मैं भोजन नहीं बनाऊंगी आज, पता लगेगा तुम। पति बोला बनाना ही नहीं। मेहमान ने सुना जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें कहां से मिले। सो मेहमान ने अपना थैला उठाया चल दिया गया। अब पति ने देखा कि मेहमान तो चला गया, तो पत्नी से बोला कि तुम काहे को रो रही, हम कोई सच्चे डांट रहे थे, हम तो तुम्हें झूठे डांट रहे थे। तो पत्नी चुप हो गई, मैं कोई सच्चे रो रही, मैं भी तो झूठे ही रो रही थी। तब तक मेहमान थैला लेके वापिस बोला हम कोई सच्चे गए थे, हम भी तो झूठे ही गए थे। इसलिए चाहे जितने तर्क दिए जाएं, गलत काम से सही परिणाम हो ही नहीं सकता। तो हनुमान जी जरा जरूरत से ज्यादा जाग गए। एक तो कह रहे हैं कि मेरी लीला है समुद्र में लांघ जाऊं। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी यह आपकी लीला नहीं है, यह लीला तो राम जी की है। गिरजा सुनो राम के लीला, और आप राम जी की लीला में एक पात्र हैं, तो आपका अभिनय कितना है, भूमिका कितनी है सो जानिए। दूसरी बात,
आप कहते हैं रावण को पूरे दल के साथ मार कर लौटूं, तो रावण को तो राम जी मारेंगे, तो त्रिकूट पर्वत उखाड़ लाऊं जिस पर लंका बसी है। यामंत जी बोली लंका को वहीं रहने दो, यहां काहे को लाते हो। लेकिन एक बात है, तुलसीदास जी बोले कि हनुमान जी महाराज प्रणाम, रामायण तो पूरी हो जाने दो, अभी तो किष्किंधा ही कांड हुआ है, 3 कांड बाकी है, आप यही रामायण पूरी किए दे रहे हो। और राम जी भी क्या सोचेंगे कि वाह हनुमान जी हमारा सारा कार्यक्रम ही विफल कर दिया। तब जामवंत जी से हनुमान जी पूछते हैं, उचित सिखावन दीजे हु मोहि, उचित सिखावन दीजे, उचित सिखावन दीजे, सिखावन दी जिस मोई, सिखावन दी सिखावन दी सिखावन, हमें उचित शिक्षा दे, मैं क्या करूं। जामवंत जी ने कहा आप कितना कर सकते हैं बात इसकी नहीं, कितना करना है बात इसकी है, इतना करो। क्योंकि जामवंत जी जानते कि इनको इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे, इतना करो। तात तुम जाई सीत ही देख कहो सुधि आई, श्री सीता जी का दर्शन करके संदेश राम जी को सुना दो, बस इतना ही करना है, इतना करो। हनुमान जी समझ गए कि ये सब भगवान की लीला है, हम उस लीला में एक पात्र हैं, और जब व्यक्ति ऐसा समझ लेता है तो उसके जीवन का सुंदर कांड आरंभ हो जाता है। आज संसार में इतने कांड होते हैं, खबर छपती ये कांड ये कांड, अगर नहीं होता है तो सुंदर कांड नहीं होता है। अच्छा वैसे भी देखो श्री रामचरितमानस में मैं 3 कांडों की ओर संकेत कर रहा हूं, एक तो है किष्किंधा कांड और एक है लंका कांड, और दोनों के बीच में है सुंदर कांड। किष्किंधा कांड की यह विडंबना है कि यहां के लोग विचार करते हैं काम नहीं करते, और लंका कांड वाले काम करते हैं विचार नहीं करते। जैसे सुग्रीव जी ने कहा ना कि मैं विचार कर रहा था, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। अच्छा देखो अद्भुत बात, ऊंचाई पर है इतने ऊंचे विचार, बस विचार ही विचार, विचार ही विचार, काम कुछ नहीं। और लंका कांड में रावण के बेटे ने कहा कि पिताजी आप इन सबसे पूछ रहे हैं कि सिंधु पार सेना सब आई क्या करना चाहिए, और ये कह रहे हैं का करिए बिचारा, नरकपि भालू आहार हमारा, बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है, का करिए बिचारा। रावण के बेटे ने कहा इनकी बात मत सुनो। रावण उन दरबारियों से कहता वाह बहादुरो तुमसे यही आशा थी। रावण के बेटे ने उनसे दरबारियों से कहा कि इतनी बड़ी बानरों की सेना आई है तुम खा जाओगे इन्हें? हाँ खा जाएंगे। तो उसने कहा कि खाने पीने में भी तो विचार करो। राक्षस बोले वो राक्षस कैसा जो खाने पीने में विचार करे? एक आदमी भोजन करने बैठा करते ही जाए तो परोसने वाले ने कहा कि भैया बीच में पानी तो पियो। सो बोला बीच तो आए।
एक गुरु जी गए भंडारे में, साथ में शिष्य, छक के भोजन किया दोनों ने। अब गुरु जी शिष्य से बोले, बेटा मेरी खड़ाऊ देख कहां रखी है, क्योंकि नीचे झुक नहीं सकते थे, इतना पा लिया था। शिष्य की भी वही दशा थी, बोला गुरु जी नीचे तो और ऊपर तो सब जगह देख ली, नीचे हो तो हो। अरे विचार तो करो, एक आदमी खाता ही जाए खाता ही जाए, और बीच बीच में कहे दाने दाने पर लिखा खान हार का नाम, दाने दाने पर लिखा। परोसने वाला परेशान हो गया, वो भीतर भीतर बोला दाने दाने कहे, कहता ये कहे बोरे बोरे पे लिखा खान हार का। अरे खाने पीने में भी तो विचार करो। पर राक्षस कहते का करिए विचारा, विचार करने की जरूरत क्या है, नरक भी भालू आहार हमारा। रावण के बेटे ने कहा एक बात बताओ, तुम इतने सब वानरों को खा जाओगे? हाँ खा जाएंगे। अच्छा कुछ दिन पहले राम जी की सेना का एक बंदर आया था, और तुम्हारे देखते देखते उसने लंका जलाई, उस दिन तुम सबका पेट खराब था कि भूख नहीं लगी थी? क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, और जारत नगर कस न धरी खाहू। रावण ने बेटे से कहा चुप हो जाओ, मनोबल गिराते हो, निकल जाओ। बेटा बोला मैं तो जा ही रहा हूं, तो जहां लंका में काम किया जाता है विचार नहीं किया जाता है, और जहां काम किया जाए विचार न किया जाए, उसकी नगरी सोने की भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती, और जहां केवल विचार किया जाए। एक आदमी के घर में घुसा चोर, खुटपुट की आवाज हुई, पत्नी ने पति से कहा कि देखो चोर घर में घुसाया है। पति बोला मैं जानता हूं, मैं विचार कर रहा हूं। पत्नी ने सोचा कुछ करेगा, उसने बकस का ताला तोड़ना शुरू किया, वो ताला तोड़ रहा है बकस। पति बोला मैं जानता हूं, मैं विचार कर रहा हूं। ताला तोड़ लिया, उसने सामान निकाला, उस सामान निकाल लिया, मैं जानता हूं विचार कर रहा हूं, और वो लेकर गया। पत्नी बोली वो तो गया। पति बोला मैं जानता हूं विचार कर रहा हूं। पत्नी बोली भाड़ में जाए तुम्हारा विचार करना, चोर सब सामान लेके ही चला जाए, तुम विचार ही करते रहो। देखो अपने यहां बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अमृत पी लिया एक राक्षस ने, देवताओं के बीच में बैठकर देवताओं जैसा रूप बनाकर सूर्य चंद्र के बीच में बैठा राहु, अमृत पी लिया। सूर्य चंद्र ने संकेत किया कि राक्षस है, भगवान ने चक्र चलाया, गर्दन कट गई, यह कथा है। लेकिन वो अमृत पी चुका था इसलिए उसके दो हिस्से हो गए, सिर राहु, धड़ केतु, दो हो गए। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है, यह सिर केवल विचार करता है और धड़ केवल काम करता है, यह विचार नहीं करता, और इसके दो हिस्से हो गए। आज भी समाज में दो ही तरह के लोग मिलते हैं, कुछ लोग तो केवल विचार करते हैं और कुछ लोग केवल काम करते हैं, यही राहु केतु हैं। और जीवन तब जब ये दोनों मिल जाए तब जिंदगी शुरू होती है, जब विचार कर्म से जुड़ जाए और कर्म विचार से जुड़ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और सुंदर कांड की यही विशेषता है कि इसमें विचार पूर्वक कर्म किए गए, जैसे पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार, विचार किया और मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिर नर हरी। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब विचार। और विचार पूर्वक कर्म, जहां विचार पूर्वक कर्म होते हैं वहीं सुंदर कांड होता है। हनुमान जी ने विचार किया कि राम जी की लीला है और मैं इस लीला का एक पात्र हूं, मेरी भूमिका इतनी है, बस यह सोचकर विचार किया तो सुंदर कांड आरंभ हुआ।
तब लगी मोही परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीतई देखी, जब लगिया वो सीतई देखी, ओई काज मोई हरस बिसेखी, ओई काज मोई हरस बिसेखी। अस कही नाई सबनी कौन माथा, चले उ हरसी धरे रघुनाथा। चले हरस धरे रघुनाथा, चले उ हरसी धरे रघुनाथा। श्री हनुमान जी ने वानरों से कहा कि आप लोग तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं श्री सीता जी का दर्शन करके न लौट आऊं, दुख सहना, कंदमूल फल खाकर रहना। अब यहां कितना सुंदर संकेत है, जब लगी आवो। श्री हनुमान जी यह नहीं कहते कि जब तक हम लौट ना आए, और दूसरा कोई पूछता लौट तो आओ तो काम करके सीता जी का दर्शन, तो दूसरा कोई होता तो यही कहता अब यहां से क्या बताते, अब तो जा रहे हैं, अभी तो वहां जाने पर पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, कोशिश करना अपना काम है, अब जो होगा अब लौट कर ही बताएंगे, मिल गई तो ठीक, नहीं मिले हमें लगता नहीं है कि मिले। और जो ऐसी बातें करे समझ लो इसे भेजो ही मत। श्री हनुमान जी ने यही कहा, जब लगी आवो सीत ही देखी, श्री सीता जी का दर्शन करके जब तक न लौटो, तो कार्य बन जाएगा अवश्य। तो आपने किसी ज्योतिषी से पूछ लिया क्या? हनुमान जी बोले नहीं। फिर कैसे कह रहे हैं, हो ही काज कार्य अवश्य होगा, क्यों? मोही हरस विशेखी, मेरे मन में विशेष हर्ष हो रहा है, मन में उत्साह हो तो कार्य में सफलता मिलती ही है। अब तो लोग बहुत, हम लोग ट्रेनों में सफर करते हैं कभी कभी, तो कई भक्त आ जाते हैं, महाराज प्रणाम करेंगे, लगेगा सत्संग करेंगे, सत्संग नहीं करते, और प्रणाम करने के बाद पहली बात अपना हाथ फैलाएंगे, महाराज कुछ जानते हो तो बताओ। अब हम लोग कह देते कि हम कुछ नहीं जानते, तो उनको लगता है ये कुछ नहीं जानते। सचमुच एक आदमी ने हाथ दिखाया तो मैंने कहा भाई मैं नहीं जानता, हंस देखा मैं, वो चला गया। हमारे साथ एक विद्यार्थी था, बोला आपने बेकार लौटा दिया। उनका क्यों? बोले आप ना बताते हम बता देते, और मैं उसे अच्छी तरह जानता था बिना पढ़ा लिखा। तो हमने कहा तुम कैसे बताते? बोले हम बता दे, और सचमुच वो चला गया। और उसने कहा महाराज से नहीं हमसे बात करो, और बताया, और 20 रुपए लेकर आ गया। तो हमने उससे बाद में पूछा कि तुम बताते क्या हो, ज्योतिष तुम्हें आती तो है नहीं? तो हंसकर बोला कि महाराज ज्योतिष में क्या जानना। फिर बोले हाथ ऐसे गौर से देखो जैसे आप सचमुच पढ़ रहे हो बहुत। फिर उससे कहो जरा उजाले में आओ, उजाले में। और हां किसी का भी हाथ देखकर यह कह दो बचपन में एक बार गिरे हो। अब बोलो आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो जवान होकर गिरेगा, बचपन में तो गिरा ही होगा। तो वो कहेगा कि याद नहीं आ रही शायद गिरे, नहीं नहीं इसमें लिखा है एक बार तो गिरे हो।
तो वही कहने लगेगा हाँ हाँ एक बार गिरे थे वो चोट लगी थी, हाँ वही वही लिखा है इसमें। अजब। अब तो आप बचपन के गिरे की तो बता दी, अब आगे की बताओ। और किसी से भी कहो हाथ देखकर एक बात है, पेट कुछ खराब रहता है, तबीयत खराब रहती है। अब आजकल किसका पेट ठीक रहेगा। और तीसरी बात किसी से भी कहो कि पैसा आता तो है रुकता नहीं है, रुकेगा किसी के पास? अर्थ प्रधान योग है, हर चीज पैसे से आनी, कैसे रुके? और चौथी बात चाहे जिससे कह दो कि तुम सबके साथ तो अच्छा ही करते हो पर तुम्हें उस नेकी के बदले में बदी ही मिलती है। और वो कहेगा महाराज ज्योतिषी बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल पक्के, बिल्कुल सही बात कही और ऐसे कहे। हमने उससे कहा कि कमाल के आदमी हो भाई तुम। हनुमान जी कहते मेरे मन में उत्साह है, श्री सीता जी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में है राम जी, और राम जी के को हर्ष हो तो सीता जी मिलेंगी। राम जी अयोध्या से चले, पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरन राम जी हर्षित होकर चले, हरसी चले मुनि भय हरन, और विश्वामित्र जी के आश्रम से चले, हरसी चले मुनि वर के साथा, हर्षित होकर चले। श्री अहिल्या उद्धार में अवश्य चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, पर जब गंगा जी स्नान कर लिया तो हरसि चले मुनि बृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। हरसि चले मुनि भय हरन, हरसि चले मुनि वर के साथा, और हरसि चले मुनि बृंद सहाया। तो पुष्प वाटिका में श्री सीता जी मिली, और श्री हनुमान जी भी कह रहे मेरे मन में हर्ष है, अर्थात राम जी मन में बैठे, राम जी के हृदय में हर्ष है। तो अगर पहली बार हर्षित होकर राम जी गए तो पुष्प वाटिका में सीता जी का दर्शन हुआ, और इस बार मैं हर्षित होकर जा रहा हूं तो अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन होगा। हो ये काज मोहि हर्ष विसेखी, मुझे हर्ष है, बड़ा आनंद है। ये उत्साह। अज ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने एक काम और किया, अस कही नाई नाई अस कही नाई अस कही नाई कवन कहूं ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, बंदरों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप समर्थ हैं, पार जा रहे हैं समुद्र के उस पार, और हम लोग असमर्थ हैं, इसी पार पड़े हुए हैं, हम लोग इसी पार पड़े हुए हैं, आप उस पार जा रहे हैं और आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम तो हमें करना चाहिए। श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो
न हम समर्थ हैं न तुम असमर्थ हो। फिर का यह तो राम जी की लीला है, हमें उस पार जाने की भूमिका मिली है, तुम्हें इसी पार रहने की भूमिका मिली है। तुम में से कोई भी वानर पार जा सकता है, पर यह हमारी भूमिका, यह तुम्हारी भूमिका, इसमें समर्थ असमर्थ की कोई बात नहीं। अच्छा, नाटक में कोई राजा हो, बड़ा संपन्न हो, किसी पर भी प्रसन्न होता है, तुरंत कहता मंत्री इसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित करो, ऐसे ही बोलते 10,000 स्वर्ण मुद्राएं से दे दो। वो कहता जो आ गया, और थोड़ी देर में पर्दे के पीछे जाकर कहता फीस दो तो हम जाएं। तो वो समर्थ नहीं है। नाटक में क्या समर्थ क्या असमर्थ, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। और हनुमान जी भगवत भाव से प्रणाम कर रहे हैं, सब में भगवान को देखकर प्रणाम कर रहे हैं, अथवा पर्दे के पीछे सबको प्रणाम कर रहे हैं। और जब कोई सब में भगवान को देखने लगे तो उसे अपने में भी भगवान दिखते हैं। और सचमुच सब में भगवान को देखने वाला देखते देखते ऐसा देखता है स्वयं भी नहीं रहता, भगवान ही भगवान। अस कह नाय सबनि कहूं माथा, चले वो हरस ही ये धरी रघुनाथा। राम जी को हृदय में रखा, तीन बातें होंगी, मन में उत्साह, भगवत भाव से विनम्रता पूर्वक सबको प्रणाम, तीसरे भगवान को हृदय में रखे। अगर इतनी बातें जीवन में आ जाएं तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है श्री हनुमान जी उसके ऊपर। और जब उस ऊंचाई पर पहुंच गए, कितना बढ़िया संकेत है कि अगर हम सामान्य जगह तो एक बार ही भगवान को याद करें, ऊंचाई मिल जाए तो बार बार याद करें। अब ये बार बार याद कर रहे हैं। अच्छा, वैसे भी देखो आप रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं, सामान तो सब रहता ही है, सामान तो एक आध बार संभालते हो, कहां रख दिया ठीक, और बार बार क्या संभालते हो, सामान नहीं टिकट। सामान चाहे 2,000 का हो और टिकट चाहे 200 रुपए का हो, सामान टिकट कहां देगा, यही था यही, एक बार देख लिया रखा टिकट फिर दोबारा, क्यों, सामान के बिना काम चल जाएगा पर टिकट के बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा, रास्ते में चल भी जाए, कोई देखने आए तब भी ठीक, और ना देखने आए तो जब उतरोगे और उतर कर जब वहां की खिड़की पार करनी होगी तब तब तो टिकट की ही जरूरत पड़ेगी। सचमुच हनुमान जी बार बार भगवान को संभालते हैं, जो तू राम नाम चित धरतो, तो सूरदास बैकुंठ पैठ में तेरी को न फेंट पकड़तो। श्री हनुमान जी बार बार राम जी का स्मरण कर रहे हैं, बार बार रघुवीर संहारी। अच्छा, कितना सुंदर अर्थ है, श्री हनुमान जी ने बार बार राम जी का स्मरण किया और पूरी लंका जल गई, श्री हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संहारी तो राम जी ने हनुमान जी का बाल बाल रघुवीर संहारी।
हनुमान जी के बाल बाल की संभाल राम जी कर रहे हैं, और जिसके बाल बाल की संभाल राम जी करें उसका बाल भी कैसे बांका हो जाए। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। अब हनुमान जी चले, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ रघुपति कर बाना, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, कर बाना, रघुपति कर, रघुपति पति कर बाना, अमोघ रघुपति। श्री हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का अमोघ बाण चला हो। अजय देखो, बाण आपने चलते देखे होंगे। अच्छा, ऐसे ना चलते हो, आजकल कहां चलते हैं बाण? पर टेलीविजन में धार्मिक सीरियल देखो, रामायण महाभारत, तो बाण चलते दिखाई देते। अच्छा, बाण चलते तो आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे। अच्छा, लेकिन एक बात सोची कभी आपने, बाण तो चलते देखे, बाण के पांव देखे? क्यों भाई, शायद आप लोगों ने देखे। बाण के होते ही नहीं पांव, तो दिखेंगे कैसे? अद्भुत है भाई, ये बिन पग चले, ये बिना पांव के चलता है, बड़ी तेजी से चलता है। ऐसे तो कई चीजें बिना पांव के चलते हैं, केवल बाण ही नहीं। आजकल तो जिसके घर जाओ वही पूछता है, महाराज क्या चलेगा? ठंडा चलेगा कि गर्म? एक बार एक आदमी ने मेहमान से कहा कि आपको चाय चलेगी कि दूध? उसका अर्थ था कि एक चीज बता, चाय चलेगी कि दूध? मेहमान भी बड़ा विचित्र था, कहा जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ, उसको दोनों ही चलेगा। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं अभी तो चाय चल रही है, तो चाय के कोई पांव है जो चल रही है? नाश्ता चल रहा है, जलपान चल रहा है, जिसके पांव नहीं होते वो किसी ना किसी के हाथ से चलता है। चाय भी हाथ से चलती है, नाश्ता भी हाथ से चलता है। तो बाण के पांव तो नहीं है लेकिन गति हो रही है। क्यों? बाण कहता है कि गति का साधन नहीं है फिर भी मेरी गति हो रही है। क्यों? मेरे पांव तो नहीं है पर मेरी गति तो चलाने वाले के हाथ में है, भगवान के हाथ में मेरी गति है, वही चलाते हैं, मैं चल जाता हूं। अच्छा देखो, एक अद्भुत बात, चलाने वाला नहीं दिखता पर बाण जाता हुआ दिखाई देता, लक्ष्य में लग जाता है। तेरी कुदरत का अजीब करिश्मा देखा कि चलता तू है, पहुंचता मैं हूं। मां चलती है, बेटा पहुंच जाता है गोद में। अच्छा बेटा तो नहीं चलता, मां चलती है, बेटा पहुंच जाता है। अच्छा ऐसे भी आप देखो, रेलगाड़ी में जब भी आप यात्रा कर रहे होते हैं, कई बार फोन आता है कहां पहुंचे, यात्री क्या कहता, अभी तो चले आ रहे हैं, अभी हम यहां से वहां पहुंच गए, थोड़ी देर में वहां पहुंच गए, चल रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं कि बैठे हैं? चल तो रेलगाड़ी नहीं है। अरे भाई, भगवान के हाथ का बाण हो जाना, जीवन का मैंने सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। श्री हनुमान जी बाण बन गए, लक्ष्य पे लगे तो ठीक, न लगे तो ठीक, हम तो राम जी के हाथ के बाण हैं, तुमने चलाया चल गए। ऐसे बाण बनकर श्री हनुमान जी चले। समुद्र ने सोचा श्री हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी बाण बनकर जा रहे हैं।
समुद्र ने सोचा कि श्री हनुमान जी जा रहे हैं तो मैनाक से कहूं कि इनको आश्रय दें। जल निधि रघुपति दूत विचारी, 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 ते मैनाक होई श्रमारी, समुद्र ने मैनाक से कहा राम जी के दूत हनुमान जी जा रहे हैं, पवन पुत्र हैं, और मैनाक तुम पर पवन का बड़ा ऋण है। अच्छा आपको एक कथा मान, पहले इन पर्वतों के पंख होते थे, आप सोचो इन पर्वतों के पंख होते होंगे तो कितनी भयावह स्थिति निर्मित होती होगी, कब किस पहाड़ के उड़ने का मन हो जाए, और उड़ना तो ठीक, कहां उड़ते उड़ते कहां बैठने का मन हो जाए, ये पहाड़ ऐसी जगह बैठते आबादी वाले क्षेत्र में, ब्रह्मा जी एक एक करके बनाए, इकट्ठे साफ करें। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, देवराज इंद्र राजा से कहा कि इन पर्वतों के कारण बड़ी समस्या है, तो महाराज वे भी तो सृष्टि में हैं, कहां जाएंगे, वे भी तो रहेंगे, यहीं रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा रहें अवश्य, लेकिन इनके पंख काट दिए जाएं ताकि उड़ उड़कर समाज को हानि न पहुंचाएं। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से सब पर्वतों के पंख काट दिए, तब से ये पर्वत अचल हो गए, जहां पड़े वहीं हैं। जहां डाल दिया वह वहीं है, अचल है ना। पर मैनाक है सोने का पर्वत, इसने कहा कि हम, इसके तो पंख हैं आज तक हैं, सोने के पंख तो आज तक हैं। मैनाक ने कहा कि हम छिप जाएं तो अच्छा है, पर हमें छिपाए कौन, का समुद्र के भीतर बहुत जगह है। समुद्र ने कहा आ जाओ, पर लहरें घुसने न दें भीतर। मैनाक ने समुद्र से कहा कि तुम्हारी लहरें नहीं आने दे रही हैं। समुद्र ने कहा भाई अब ये तो मजबूरी है, हम तो कोई, हमारे भीतर तो बहुत जगह पर लहरें ना आने दे तो हम क्या करें, तो हमारी लहरों पर दबाव डलवाओ हवा। पवन देव से प्रार्थना की, पवन ने लहरों पर दबाव डाला, तब भीतर प्रवेश मिला। समुद्र ने कहा आज उन्हीं पवन के पुत्र हनुमान जी जा रहे हैं, तुम भी सहायता करो। मैनाक बाहर आ गया। अब देखो मैनाक सोने का पर्वत है, श्री हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर, और ये सोने का पर्वत रास्ते में, सोने का पहाड़। अब मैं आपसे निवेदन करूं, सोने को लेकर दो तरह की स्थितियां समाज में दिखाई देती हैं। कुछ लोग हैं जो छूते नहीं, और कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं। एक सज्जन से कहा कि धर्म का काम है, इतना बड़ा उत्सव हो रहा, तुम भी दे दो कुछ। तो बोला अब सब लोग तो दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है क्या? कहा नहीं नहीं अपना अपना सबको काम ठीक है, तो कल देंगे। दूसरे दिन आया,
एक रुपया चांदी का जेब में डाले। अब उसने सोचा दें कि न दें, फिर सोचा दे ही डालें, रुपए को मुट्ठी में दबाया। अब मन हो देने का मुट्ठी और जोर से दबाए, फिर सोचा अब तो चला ही जाएगा, देख ही नहीं पाएंगे। बड़ी देर तक दबाए रहा, हाथ पसीज गया, हृदय नहीं पसीजा। देखा खोल कर तो हाथ में पसीना था। वो रुपए से देख कर बोला, मैं किसी को नहीं देता, तुम बहुत रोते हो। फिर जेब में रख लिया। ये वो हैं जो छोड़ते नहीं हैं, और दूसरे वे, हम दो चार संत किसी के यहां भोजन को गए, उसने भोजन कराया, भोजन के बाद वो दक्षिणा देने लगा। तो आपको आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं, मत छूइए, पर आवश्यकता तो थी, उसके बिना काम नहीं चलता था। वो बेचारा दक्षिणा देने आया तो जैसे ही एक को दिया, बोलो दूर 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 उधर उधर, क्यों हम छूते नहीं है। तो उसको बड़ी श्रद्धा हुई, पहले वो ऐसे ही प्रणाम कर रहा था, फिर और ऐसे। हम लोगों को भी अच्छा लगा, भाई त्याग का सम्मान है, त्याग किया इन्होंने। पर आश्चर्य तो तब हुआ, वो जैसे ही चलने लगा तो बोले कहां जा रहे हो। कहा कि महाराज आप छूते नहीं। बोले वो दक्षिणा, कहा आप तो छूते नहीं, तो ऐसे बोले इस कपड़े में बांध दो, इसमें बांध दो। हमारे साथ एक संत थे, बोले ये तो छूते नहीं, हमने कहा ये छूते नहीं बांधते हैं। तो बड़े नाराज होकर बोले ये बांधते, मैं छूता नहीं हूं। अरे हमने कहा महाराज जो कपड़े से ही छूना था तो इसी कपड़े से छू लेते, यह भी तो वस्त्र है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। यह भी तो वस्त्र ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराण। रामचरितमानस में कहा, जिम नूतन पट पहरई नर पर हरई पुराण। जब इसके बिना काम चल ही नहीं सकता तो इसी कपड़े से छू ले। पर दो, अच्छा मैं आपसे कहूं कि दोनों स्थितियों में सुंदरकांड नहीं होता। स्थिति तीसरी, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का शुभागमन हुआ है, मैं स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। महाराज विराजे, श्री हनुमान जी महाराज ऐसा भी नहीं करते कि पर्वत को छुए नहीं, और ऐसा भी नहीं करते कि वहीं रुक जाएं। श्री हनुमान जी महाराज ने दो काम किए। हनुमान तेहि कर पुनि कीन प्रणाम प्रणाम। हनुमान जी ने स्पर्श किया, प्रणाम किया, लेकिन जब मैनाक ने कहा कि आप यहीं ठहर जाओ, श्री हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहां। सोने को छूना बुरा नहीं है, पर सोने पे सोना बुरा है।
मोटर साधन है, साधन से साध्य तक पहुंचा जाता है, इसलिए धन भी साधन है, धन का उपयोग करना आना चाहिए, उसको छुएं, उसका उपयोग करें, पर लक्ष्य वह न हो। लक्ष्य तो श्री सीता जी का दर्शन है। देवता भी प्रसन्न हुए कि जिन हनुमान जी को सोने का पहाड़ नहीं रोक सका, उन्हें लंका में सोने का किवाड़ क्या रोकेगा। अपने यहां लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना, सीताराम जी की उपासना, श्री राधा कृष्ण जी की उपासना, माता के द्वारा पालन पोषण होता है। इसीलिए अपने यहां दो शब्द हैं, सुख और शांति। धन के द्वारा सुख और भजन के द्वारा शांति। धन से मिलते हैं साधन, साधन से सुविधा, सुविधा से सुख, भजन से अंतःकरण निर्मल होता है, वृत्ति अंतर्मुखी होती है, शांति मिलती है, दोनों। इसीलिए श्री हनुमान जी स्वर्ण पर्वत को प्रणाम करते हैं, रुके नहीं, आगे चलने लगे तो एक दूसरी देवी आ गई, सुरसा नाम अहिन के माता, 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 सुरसा सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों को जन्म देने वाली सुरसा। अच्छा, सर्प क्या है? संशय सर्प ग्रसेव मोहिताता, ये संशय के सांप, और संशय के सर्प को जन्म कौन देती? सुरसा। सुरसा माने प्रशंसा। हमारे इस संसार सागर को पार करने में दो ही कठिनाइयां हैं, या तो हम पदार्थ में अटकते हैं या प्रशंसा पाकर भटकते हैं। हनुमान जी ने जैसे ही सोने के पहाड़ को छोड़कर चले तो प्रशंसा आ गई, जैसे ही कोई त्याग करता है तो प्रशंसा तुरंत आगे आ जाती है। और मुझे तो लगता है कि चाहे कोई संग्रह करे और चाहे कोई त्याग करे, लेकिन मन में दो अक्षर की अभिलाषा रहती है, लोग कहें वाह, बस ये वाह सुनने के लिए कितनी आह भरनी पड़ती है। एक कहता इनके पास इतना, दूसरा कहता इन्होंने इतना छोड़ दिया। सुरसा बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि माता, हम जानकी माता का दर्शन करके राम जी को संदेश दे दें, फिर तुम्हारे मुंह में प्रवेश करेंगे, अभी नहीं। सुरसा बोली मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी का कहना यह है कि भक्ति भगवान मिल जाए फिर प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं, अभी ना भक्ति मिली ना भगवान और प्रशंसा होने लगी तो बीच में ही डूब गए।
पर सुरसा नहीं मानी। हनुमान जी ने कहा अच्छा खाओ। अब सुरसा ने एक योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी दुगने हो गए। अब सुरसा कैसे खाए? आठ दिन की भूखी बकरी के सामने कोई 24 किलो का तरबूज रखे कि खाओ, भूखी हो तुम खाओ। अब इतना समय इतने बड़े तरबूज को खाए कैसे? सुरसा ने 16 योजन का मुंह बनाया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, हनुमान जी दुगने होते जाएं, बड़े होते जाएं। अंत में सत योजन ते ही आनन कीना, 100 योजन का मोह बनाया। और हनुमान जी चाहते तो 200 योजन के हो सकते थे कि नहीं? हो तो जाते, लेकिन कथा आगे बढ़ती कि यहीं रुकी रहती? हम सब लोग कथा कहने वाले यही कहते। फिर सुरसा ने 100 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 200 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 300 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 600 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 700 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 1400 योजन किए। लोग भी हम लोगों से पूछते कि आजकल कथा कितने योजन पर चल रही है, इसका तो कोई अंत है नहीं। अच्छा देखो, व्यंग बड़ा अच्छा है, आजकल यही हो रहा है। आजकल हम लोग प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपना अपना कद बढ़ा रहे हैं। तुम इतने तो हम इतने, तुम इतने तो हम इतने, और एक दूसरे के सामने खड़े होकर प्रतिस्पर्धा में अपना अपना कद बढ़ाने वाले कभी कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। श्रद्धा के कारण कदम आगे नहीं बढ़ता। हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे, कद बढ़ गए हैं, कदम नहीं बढ़े हैं। हनुमान जी ने सोचा कि एक तो छोटा बने तब तो आगे बढ़े यात्रा। अच्छा, हनुमान जी इतने उत्तम श्लोक महापुरुष हैं, उनको बड़े होने में अभिमान नहीं, छोटे बनने में गिलानी नहीं। 100 योजन का मुंह उसने किया और हनुमान जी इतनी जल्दी छोटे हुए। अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप, अत्यंत छोटे तुरंत। अब सुरसा इधर उधर देखे कि गए कहां ये? इसका अर्थ यह है कि प्रशंसा से बचा नहीं जा सकता। आप जितने बड़े होते चले जाएंगे, प्रशंसा करने वालों के मुंह उतने ही बड़े होते चले जाएंगे। और हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप, अत्यंत छोटे हो गए। अब सुरसा खा नहीं सकती थी, क्यों? 100 योजन का मुख है। आप गणित के ढंग से विचार करो तो 4 कोस का एक योजन होता है, 400 कोस किलोमीटर तो कुछ ज्यादा ही होंगे। अच्छा, इतना बड़ा मुंह कितनी भी रफ्तार से बंद हो तो घंटा डेढ़ घंटा लगेगा कि नहीं? हनुमान जी बदन पैठ पुनि बाहर आवा। और इसमें व्यंग यह है कि खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाएं तो जल्दी छोटे नहीं होते, और हनुमान जी अत्यंत छोटे हैं। मुख में प्रवेश करके बाहर निकल आए। सुरसा ने कहा, हनुमान तुम सफल हो गए, प्रशंसा से बचने का एक ही उपाय है कि छोटे बन जाओ। छोटे मोटे तो प्रशंसा करने वालों को दिखते ही नहीं है, बड़े से बड़े ही दिखते हैं, बड़े बड़े। अच्छा आप देखो, आग जल रही हो तो हवा आग को जलाती है कि बुझाती? उत्तर देना कठिन है। हवा कहती पहले आग दिखाओ कैसी है, आग लग जाए तो ये हवा आग को बुझने नहीं देती, बड़े प्रचंड रूप में कर देती है और मोमबत्ती को जलने नहीं देती, तुरंत बुझा देती है। आग तो वही है, पर ये दुनिया की हवा भी ऐसी है, छोटी मोटी आग को जलने नहीं देती, बड़ी बड़ी आग को बुझने नहीं देती। वाह 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 वाह, ये वाह माने हवा, इधर से पढ़ो तो वाह, उधर से पढ़ो तो हवा। पर हनुमान जी मांगा विदाता ही सिरुनावा। देखो, छोटे बनने में बड़े लाभ है। श्री तुलसीदास जी के नाम से एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, और छोटे बछड़ा पय पिए
बड़े भय भूस खात। गाय के छोटे बछड़े को दूध पीने को मिले और वही बड़ा हो जाए बैल तो भूस खाने को मिले। और काम इतना, बैल के सामने कोई एक बाल्टी दूध नहीं रखता कि आज दिवाली का दिन है तुम भी पी ले। बड़े बड़े दुख साथ हैं छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र अरु सूर। सदगुरुदेव श्री नानक जी महाराज कहते हैं, नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बह जात हैं दूब खूब की खूब। एक कवि ने कहा, कौन आएगा यहां, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं। इसीलिए भाई नम्र होकर रहे, कभी नहीं टूट सकता, उखड़ नहीं सकता। श्री हनुमान जी नम्र हो गए। सुरसा ने कहा, मैंने दो चीजें देखी, राम काज सब करिहौ तुम बल बुद्धि निधान। तुम बल और बुद्धि के निधान हो। बल देखा बड़े होने में और बुद्धिमानी देखी। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।